आज न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग करते हुए केएल राहुल ने सबको हैरान करके रख दिया। जब पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल के पास एक गेंद को कैच करने का आसान सा मौका था, लेकिन उन्होंने उसे लपकने की कोशिश तक नहीं की और बाद में ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे उन्हें गेंद दिखी ही नहीं। जी हां दोस्तों, दरअसल ये सब कुछ न्यूजीलैंड की पारी के 13वें ओवर में हुआ, जब सिराज की एक गेंद पर टॉम लैथम के बल्ले का मोटा एज लगा था और गेंद विराट कोहली और केएल राहुल के बीच से निकल गई, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा भड़क गए थे। और यहां गलती केएल राहुल की ही थी, क्योंकि गेंद बिल्कुल उनके पास से निकली थी। कोहली तो यहाँ केएल राहुल का काम आसान करने के लिए पीछे ही हट गए थे, क्योंकि कोहली भी जानते थे कि अगर वो बीच में आते तो केएल राहुल के लिए कैच को लेना मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी केएल राहुल ने गेंद की तरफ हाथ बढ़ाया तक नहीं। इसके बाद रोहित और विराट कोहली तो हैरान थे ही, खुद केएल राहुल भी अपनी इस गलती पर पछताते हुए नजर आए और बाद में विराट कोहली ऋषभ पंत के साथ मिलकर केएल राहुल के मजे ले रहे थे। दोस्तों, आपका इस कैच को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें।